हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विलियन चैप्टर का अगला टॉपिक अणुसंख्यक गुणधर्म का असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। विलियन कंप्लीट चैप्टर के नोट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था परासरण दाब, और परासरण दाब में हमने देखा था कि पाई बराबर होता है सीआरटी या पाई बराबर होता है पाई वी बराबर होता है एनआरटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको परासरण दाब पे जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में बताता हूं। देखिए, परासरण दाब जो है उसमें तीन प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मली। एक तो पहला सवाल है कि परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जैसे यहां दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन है 3% यूरिया W बाय वी विलियन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए, है ना। तो 3% यूरिया W बाय वी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इसे ओपन कीजिए। W बाय वी का मतलब क्या होता है, 3 ग्राम यूरिया है जो कि 100 ml विलियन में मौजूद है, यही मतलब हुआ इसका। 3 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में, ये अपन ने इसको ओपन करके रख दिया। अब वैल्यूज पुट करेंगे अपन। फॉर्मूला क्या है परासरण दाब का, पाई बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम डब्ल्यू इंटू आर टी अपॉन वी, वी अगर एमएल में है तो ऊपर क्या करेंगे इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं भैया। पाई बराबर डब्ल्यू, 3 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 होता है यूरिया का अणुभार, है ना, 60 इंटू आर गैस कॉन्स्टेंट 0.0821 अपॉन वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो 100 ml दे रखा है इनटू टेम्परेचर है 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन और इनटू 1000। बात समझ में आ गई, सारी वैल्यूज पुट कर दी अपन ने। अब यहां से आप इसका परासरण दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो गया ये दो जीरो से, दो जीरो भी कैंसिल आउट हो गए, 300 और 6 और 3 भी कैंसिल आउट हो गए टू टाइम्स, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 0.08021 को कैंसिल आउट करेंगे तो पाई इक्वल टू हो जाएगा 0.041 इंटू 300। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 and 12, दैट मीन्स 0.123 इंटू 100, तो इट इज इक्वल टू 12.3 एटीएम। एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर में होता है परासरण दाब, तो परासरण दाब आपको ज्ञात हो जाएगा। क्लियर, सब वैल्यूज पुट करनी है और आंसर क्या, आंसर कैलकुलेट करना है उसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड ग्रेड लेवल पे, फर्स्ट ग्रेड लेवल पे, है ना, नीट लेवल पे ये पूछा हुआ सवाल है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। 20% ग्लूकोज डब्ल्यू बाई वी एक विलियन है जो एक अज्ञात विलियन के साथ समपरासरी है, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक विद द 10% सॉल्यूशन ऑफ द अननोन, देन फाइंड द मॉलिक्युलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूशन, यानी अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो समपरासरी का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं, समपरासरी का मतलब होता है पाई वन इक्वल टू पाई टू, पाई ज्ञात बराबर पाई अज्ञात, यही करना है आपको। ज्ञात है ग्लूकोज 20% W by V, देखो टेम्परेचर नहीं दे रखा है, इसका मतलब अगर दे भी रखा होता तो दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, है ना, टी कॉन्स्टेंट है, तो आप इसकी पूरी वैल्यू रख दीजिए। मैं यहां पे रख देता हूं ग्लूकोज की, यानी W अपॉन एम डब्ल्यू इंटू आर टी अपॉन वी इंटू 1000, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, बराबर होगा किसके, W एम डब्ल्यू इंटू आर टी अपॉन वी इंटू 1000, किसके लिए, अज्ञात के लिए, बराबर। दोनों वैल्यूज रख दी, अज्ञात और ज्ञात की। अब आप इसमें सॉल्व कर लीजिए, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसमें, वो कैंसिल कर दीजिए, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, आर टी बाई वी, आर टी बाई वी 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एम डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू यहां रहेगा और डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू यहां रहेगा, यानी वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो 20 ग्राम है ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज का 20 डिवाइड बाय ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास जो कितना होता है 180, इक्वल टू W अपॉन एम डब्ल्यू, इसका W कितना है 10 ग्राम, 10% दे रखा है, सो 10 ग्राम डिवाइड बाय इट्स मॉलिकुलर वेट जो आपको कैलकुलेट करना है X, है ना। जब भी समपरासरी का कोई भी सवाल आ जाए आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, पाई वन इक्वल टू पाई टू करके। नाउ यहां से अपन X की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दिस X इक्वल टू कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो X इक्वल टू कितना आएगा 90, ये आपके अज्ञात विलय का अणुभार हो गया। बात समझ में आ गई,
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक विलियन है जिसका प्रसरण दाब 7 एटीएम है, उसके 50 एमएल मैंने लिए हैं, ठीक है, 7 एटीएम और 50 एमएल है, उसे एक अन्य विलियन जिसका प्रसरण दाब 5 एटीएम है के 70 एमएल में मिला दिया जाता है। मतलब दो विलियनों को आप मिक्स कर रहे हो, पहले विलियन में दूसरा विलियन मिला रहे हो, तब अब जो नया विलियन बनेगा, परिणामी विलियन, उसका प्रसरण दाब कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो देखो, अपन जानते हैं भाई प्रसरण दाब पाई बराबर क्या होता है, सीआरटी है ना, और जिस जो इसमें अपन सी यूज कर रहे हैं, ये जो अपन सी यूज कर रहे हैं, ये सी मोलरता होती है इसमें, ये भी अपने को पता है मोलरता है, टेम्परेचर और दोनों कांस्टेंट है आर, तो ये मोलरता है, तो अपन कह सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। तो जो फॉर्मूले अपन पाई में यूज मतलब मोलरिटी में यूज करते हैं मोलरता ज्ञात करने के लिए, वो अपन यहां यूज कर सकते हैं प्रसरण दाब ज्ञात करने के लिए। तो किसी मिश्रण की मोलरता हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी मिश्रण की मोलरता हम ऐसे ज्ञात करते हैं M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3V3, ये एक मिश्रण की मोलरता का सूत्र है। वैसे ही परासरण दाब अगर दिया हुआ हो तो परासरण दाब में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं Pi1V1 प्लस Pi2V2 बराबर Pi3V3, या सारी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करना है और Pi3 इसमें से अपने को ज्ञात करना है। जैसे मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, देखिए सबसे पहले क्या प्रसरण दाब कितना दे रखा है 7 एटीएम, तो पाई1 इज 7 इंटू V1 50 ml प्लस पाई2 5 एटीएम, तो 5 इंटू उसका वॉल्यूम कितना है 70 ml इज इक्वल टू m पाई3 जो कि आपको ज्ञात करना है पाई3, और V3 टोटल कितना हो गया, इसके 50 ml इसके 70 ml, तो ये हो गया 120 ml परिणामी आयतन है ना, रिजल्टेंट वॉल्यूम। यहां से हमको पाई3 निकालना है, तो ये हो गया 350 इज इक्वल टू पाई3 इंटू 120 है ना, ये हो गया टोटल 700। सो 700 अपॉन 120 इज इक्वल टू पाई3, यही होगा इसका मतलब। तो यहां से अपन ने पाई3 कैलकुलेट किया, तो पाई3 अपने को कितना मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया है ना, और ये हो गया 35 और ये हो गया 6, 35 बाय 6 कितना आ जाएगा, लगभग ये होगा 5 समथिंग है ना, 5.8 लगभग, ये कितना आएगा 5.8 एटीएम। क्लियर? तो मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन पैटर्न बताना, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाता है, तो इस तरह से परासरण दाब के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड फॉर द नीट लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट के एग्जाम में। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक था एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। चलिए, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म को समझने से पहले आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक कण, ठीक है, मेरे पास है एक कण यूरिया का, और मैंने इसको पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद भी क्या होगा, यूरिया का कितना कण रहेगा, एक कण रहेगा एक कण, क्योंकि यूरिया विद्युत अपघट्य नहीं है, यूरिया क्या है, विद्युत अनपघट्य है, यानी यूरिया जो है वो आयनों के अंदर नहीं टूटेगा। जैसे मैंने एक कण लिया किसका, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का एक कण लेके पानी में डाल दिया, तो पानी में जाने के बाद अभी भी पानी में कणों की संख्या क्या होगी, एक ही होगी ना, क्योंकि ग्लूकोज भी विद्युत अनपघट्य है, पानी में जाके टूटेगा नहीं, जितने कण हैं उतने कण ही रहेंगे, क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया दोनों ही विद्युत अनपघट्य हैं। मेरे कहने का मतलब है जब आप विद्युत अनपघट्य लेते हो तो ना तो वहां पे क्या होता है, वियोजन होता है, और न ही वहां पर क्या होता है, कणों का संयोजन है ना, नहीं होगा, न तो क्या होंगे, एक कण से दो कण बनेंगे, और नहीं दो कण मिलकर एक कण बनाएंगे, ना तो वियोजन डिसोसिएशन होगा, ना एसोसिएशन यानी संयोजन होगा, जितने कण हैं उतने कण रहेंगे। उस समय आपको जो अणुसंख्यक गुणधर्म प्राप्त होंगे उन्हें हम कहेंगे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, कणों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जितने कण हैं उतने ही कण हैं। लेकिन अगर क्या होगा, अपन यहां कोई विद्युत अपघट्य ले लें, सपोज दैट विद्युत अपघट्य मैंने ले लिया, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो सकता है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालोगे तो वो आयनों में टूट सकता है। जैसे मैंने सोच विचार के क्या किया, एक कण NaCl का पानी में डाला,
ठीक है, और मैं एक कण का अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहा हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा Na प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा, मतलब कणों की संख्या कितनी हो गई, दो पार्टिकल्स हो गए, पार्टिकल नंबर चेंज, कणों की संख्या बदल गई। जैसे मैंने एक पार्टिकल है ना वो कैल्शियम क्लोराइड का डाला, जैसे ही पानी में गया एक कैल्शियम प्लस टू बना और दो क्लोराइड माइनस Cl माइनस बन गए, टू Cl माइनस, तो टोटल कण कितने हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर थ्री, कुल कणों की संख्या तीन हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि जब अपन विद्युत अपघट्य लेते हैं तो विद्युत अपघट्य का विलयन में, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, डिसोसिएशन, वियोजन हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है वियोजन ही हो, कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जिनका संयोजन भी हो सकता है, संयोजन हो सकता है, जैसे एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, यह है एसिटिक अम्ल, जैसे ही एसिटिक अम्ल को हम बेंजीन में डालते हैं, ये बेंजीन, बेंजीन का एक विलायक ले लिया बेंजीन, जैसे ही बेंजीन में डालते हैं ये दो एसिटिक अम्ल जो है इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से, ठीक है, अंतराणुक, इंट्रा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहां पे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कण हो गया। तो आपने कितने कण सोच के डाले थे, दो कण, लेकिन विलयन में जाकर क्या हो गया, दो की जगह एक कण हो गया, कहने का मतलब है कणों की संख्या फिर से बदल गई, इस बार वियोजन नहीं हुआ, इस बार क्या हुआ कणों का, इस बार वियोजन की जगह कणों का संयोजन हो गया, ठीक है, वियोजन की जगह संयोजन, एसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि वियोजन या संयोजन की वजह से कणों की संख्या चेंज जाती है, और अपन जानते हैं भाई अगर कणों की संख्या चेंज हो गई तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर। तो हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि जो विद्युत अपघट्य है उन विद्युत अपघट्य का क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट का संयोजन हो सकता है। इस वियोजन या संयोजन के कारण क्या होगा, कणों की संख्या, कणों की संख्या में बदलाव आ जाएगा, कणों की संख्या क्या हो जाएगी, चेंज। अगर कणों की संख्या क्या हो गई, चेंज, तो उससे किस में चेंज आएगा, उससे फिर आपका जो अणुसंख्या, क्योंकि अणुसंख्या गुण किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर, तो अणुसंख्या गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। और अगर अणुसंख्या गुणधर्म चेंज हो गए तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, इसे अपन कहेंगे असामान्य, एबनॉर्मल, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर, तो आपके लिए पूरी डेफिनेशन क्या हो गई असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म की, ये विद्युत अपघट्य का वियोजन या संयोजन, एसोसिएशन डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज जाते हैं, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज जाती है, जिसे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट होगा केवल उसी के लिए होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होता है, जैसे यूरिया ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए उसमें सब में यूरिया या ग्लूकोज का यूज किया था, ताकि अणुसंख्यक गुणधर्म में कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखें इस अणुसंख्यक गुणधर्म में जो चेंज आ रहा है, इस चेंज को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया, तो ध्यान रखना एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉन्थॉफ, ठीक है। वॉन्थॉफ ने क्या किया, एक फैक्टर का यूज किया, एक गुणांक का यूज किया, जिसे अपन कहते हैं वॉन्थॉफ गुणांक आई। ये फैक्टर किस लिए इंट्रोड्यूस किया इसने, ये फैक्टर इसने इंट्रोड्यूस किया जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, उन अणुसंख्यक गुणधर्म को वापस से क्या करने के लिए, सामान्य करने के लिए, ठीक है, सामान्य करने के लिए। तो वापस से देखें, अणुसंख्यक गुणधर्म को सामान्य करने के लिए, वापस इनको नॉर्मल करने के लिए वॉन्थॉफ ने एक फैक्टर यूज किया, इस फैक्टर को बोलते हैं वॉन्थॉफ गुणांक या वॉन्थॉफ फैक्टर, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आई किसके इक्वल होता है, तो ध्यान रखना भैया, आई इक्वल होता है वियोजन या संयोजन, ठीक है, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, अपॉन वियोजन या संयोजन, वियोजन या संयोजन के पूर्व
कणों की संख्या, कणों की संख्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर द डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, पहले कितने कण थे उससे नहीं, बाद में कितने कण बने और पहले कितने कण थे, दोनों का जो अनुपात है उस अनुपात को बोलते हैं वॉन्ट ऑफ गुणांक, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। और क्लियर करते हैं किस तरह से इस वॉन्ट ऑफ ने अनुसंख्यक गुणधर्मों को सामान्य किया। तो ध्यान रखना कि ये जो आई है, वॉन्ट ऑफ जो फैक्टर है, ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है आई, और ये आई हमेशा बराबर होता है, इस चीज को ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल करने के काम आएगा। ये आई हमेशा बराबर होता है किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन थियोरिटिकल, यानी कि अणुसंख्यक, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म प्रेक्षित बटा अणुसंख्यक गुणधर्म सिद्धांतिक। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरिटिकल, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, ये होता है आई, अणुसंख्यक गुणधर्म प्रेक्षित बटा सिद्धांतिक, ऑब्जर्व अपॉन थियोरिटिकल। ठीक है, यानी जैसे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरिटिकल। जैसे जो है क्वथनांक में उनियन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीबी, अपॉन डेल्टा टीबी थ्योरिटिकल। जैसे हिमांक अवनमन है, तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीएफ थ्योरिटिकल। या जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, तो डेल्टा डेल्टा पी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा पी थ्योरिटिकल। कहने का मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कॉलिगेट, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरिटिकल। थ्योरिटिकल का मतलब है फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करते आ रहे हो वो फॉर्मूला कहलाएगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरिटिकल। जैसे पाई इक्वल टू सीआरटी, इट इज थ्योरिटिकल वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये परासरण दाब का सिद्धांतिक मान है। और प्रेक्षित मान क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होगा, जो वास्तविक रूप से निकलेगा, उसे अपन कहेंगे सिद्धांतिक। ठीक है, ये होता है आई। अब आई के बाद में, आई के बारे में दो बातें आप जरूर ध्यान रखना, वो क्या है कि यदि विद्युत अपघट्य का, ठीक है, यदि विद्युत अपघट्य का 100% क्या हो जाए भैया, आयनन, इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 100% आयोनाइज कंप्लीटली डिसोसिएट इन टू आयन्स, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू एन। आई का मान कितना होगा, जो एन का होगा, एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयन्स कह दो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, आपको बोल दिया कि NaCl 100% आयोनाइज हो रहा है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर NaCl, आई की वैल्यू क्या होगी, दो। क्यों, क्योंकि दो कण बना रहा है, एक Na प्लस एक Cl माइनस। सपोज है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, अगर ये पूरा आयनित हो रहा है तो आई का मान कितना होगा, दो क्लोराइड एक कैल्शियम, तो टोटल आई कितना हो गया, वॉन्ट ऑफ फैक्टर 3। लाइक CaCO3, यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान से देखना, यहां पे ये काफी स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। देखो आई का वैल्यू कितना होगा, तो स्टूडेंट ऐसे काउंट कर लेते हैं जो आपको नहीं करना है, एक कैल्शियम एक कार्बन तीन ऑक्सीजन, तीन एक चार और एक पांच हो गया सर आई का मान, नहीं नहीं, आयन्स का नंबर काउंट करना है कि वो आयन्स यानी पार्टिकल्स कितने बनाएगा, एटम्स नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब तोड़ेंगे अपन इसको, एक कैल्शियम बनेगा प्लस टू और एक कार्बोनेट बनेगा माइनस टू, यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूटने के बाद दो ही आयन बनाएगा, सी ए प्लस टू एंड सीओ थ्री माइनस टू, तो आई की वैल्यू कितनी हुई, दो। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आई निकलता है। जैसे K4FeCN6, K4FeCN6 का आई कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या खासियत होती है कि जो ब्रैकेट होता है वो नहीं टूटता है। ब्रैकेट यूं क्यों रहेगा, तो आपको ऐसे नहीं काउंट करना है चार पोटेशियम एक आयरन और छह साइनाइड, नहीं गलत हो जाएगा, आपको काउंट करना है कि ये जो ब्रैकेट है वो पूरा एक रहेगा, है ना, इस ब्रैकेट का डिसोसिएशन नहीं होता है, यही होते हैं जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसंयोजक यौगिक। तो पूरा ब्रैकेट तो हो गया एक आयन, और चार आयन बनेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है पोटेशियम के, तो कुल आयनों की संख्या कितनी हुई, पांच, इसका मतलब इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा 5। क्लियर हो गई बात, तो वॉन्ट ऑफ गुणांक होता है अणुसंख्यक गुणधर्म सिद्धांतिक बटा अणुसंख्यक गुणधर्म
सॉरी अनुसंख्यक गुणधर्म प्रेक्षित बटा अनुसंख्यक गुणधर्म सैद्धांतिक। और यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम रियल ऑस्मोटिक प्रेशर या रियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू पाई थियोरिटिकल। मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको कोई विद्युत अपघट्य दे दे और उसका अनुसंख्यक गुणधर्म आपको निकालना हो, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या जो भी दूसरी प्रॉपर्टीज है वो आपको निकालनी हो, तो सबसे पहले आप उसको किससे गुणा करेंगे, आई से गुणा करेंगे जो भी आपकी वैल्यू आएगी, फिर आपका करेक्ट आंसर आएगा। ग्लूकोज और यूरिया वगैरह में क्या था, आई इक्वल टू वन है ना, ग्लूकोज यूरिया वगैरह में आई एक के बराबर होता है, आई अगर वन के इक्वल होगा तो उस केस में पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू पाई थ्योरेटिकल। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल सेकंड ग्रेड लेवल पे भी पूछा हुआ है, वो मैं आपको बताऊं, वो क्वेश्चन ये है कि आई की वैल्यू किसके लिए क्या होती है, आई इज इक्वल टू वन किसके लिए होगा, ऐसा कोई भी पदार्थ जो विद्युत अपघट्य न हो, विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए आई की वैल्यू हमेशा वन होती है। आई इज ग्रेटर देन वन, सॉरी आई इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन मतलब ये आई इज ग्रेटर देन वन मतलब क्या हुआ, ऊपर प्रेक्षित या यूं कहते हैं अपन प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा है सिद्धांतिक से, है ना, या अपन कहते हैं कि वियोजन के बाद कणों की संख्या, डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स ज्यादा हैं और पहले कम है, तो व्हेन द आई इज ग्रेटर देन वन तो आपके वहां पे कौन सी घटना हो रही है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, डिसोसिएशन। सेकेंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है आई इज ग्रेटर देन वन किसके लिए होता है, वियोजन के लिए, और आई इज लेस देन वन किसके लिए होता है, फॉर द एसोसिएशन यानी कि संयोजन के लिए, तो डिसोसिएशन के लिए आई का मान हमेशा एक से ज्यादा होगा और एसोसिएशन के लिए आई का मान हमेशा एक से कम होता है। क्लियर, चलिए अब देखो अब ये बात आ गई, सर यहां आपने लिखा कि यदि विद्युत अपघट्य का 100% आयोनाइजेशन हो तब आई इज इक्वल टू एन होता है, अब दूसरी बात कि अगर 100% डिसोसिएशन ना हो या 100% एसोसिएशन ना हो तब ये आई की वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, देखो मैं आपको बताता हूं एक रिलेशन, और वो रिलेशन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ गुणांक में संबंध क्या है, ध्यान से देखना, रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है वियोजन की मात्रा, ठीक है, वियोजन की मात्रा मैं इसको कह देता हूं इट इज सपोज दैट अल्फा, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर, मतलब क्या है इसका, वियोजन की मात्रा, मैं तो कह दूं आपको कि 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, वो 70% ही हो रहा है, तब आई की वैल्यू क्या लोगे आप, अगर वो 70% हो रहा है तब आई की वैल्यू क्या लोगे, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन है एक सिंपल सा रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो इन दैट केस आई की वैल्यू क्या होगी, सपोज दैट ए गोज टू जो है एन ए, ए जो है वो टूट रहा है और एन ए बना रहा है, ठीक है, ए टूट रहा है एन ए बन रहे हैं, उससे कितने भी अणु बन रहे हैं, यही हुआ वियोजन, तो मान लीजिए समय जीरो पर When the t equal to zero, मतलब शुरू में मान लीजिए इसका कण कितना है एक, उस समय ये कितना होगा जीरो, भी टूटेगा ही नहीं ना, समय जीरो है, तोड़ा ही नहीं आपने इसको, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम टू t, तो इसका डिसोसिएशन होगा, कितना डिसोसिएशन हुआ 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा n अल्फा, है ना, इसमें से अल्फा टूटा तो ये n अल्फा बना, क्योंकि इसके आगे n मोल्स लगे हुए हैं तो n अल्फा बनेगा, है ना, तो ये तो हो गया वियोजन से पूर्व, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन, ये तो हो गया बिफोर डिसोसिएशन, वियोजन से पहले की घटना, और आफ्टर द डिसोसिएशन, वियोजन के बाद क्या हुआ, आफ्टर द डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, टोटल मोल्स कितने हुए, तो पहले मोल कितने हैं 1, मैं यूं लिख दूं इसको, वियोजन से पूर्व कण, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर द डिसोसिएशन इज 1 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर द डिसोसिएशन यानी कि वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है, तो वियोजन के बाद टोटल कण कितने बने, वियोजन के बाद हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इतने होंगे, अभी टोटल मोल्स निकालेंगे, टोटल कण कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, तो 1 माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा कम हो गए, नए कण बन गए एन अल्फा, तो टोटल कण कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये कुल कणों की संख्या हो गई। नाउ ये दोनों का योग है कुल कणों की संख्या वियोजन के बाद, अपन जानते हैं आई बराबर क्या होता है, वियोजन के बाद कणों की संख्या यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा,
और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या यानी वन, आफ्टर द डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर द डिसोसिएशन, तो बिफोर इज वन, आफ्टर वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यहां से आप इसका अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लो, तो अल्फा कितना आएगा यहां से, अल्फा बराबर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा आएगा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, मैंने आपको डेरिवेशन भी बताया कि देखो कैसे आया है ये। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा दे रखा हो सवाल में, प्रश्न में यदि आपको अल्फा दे रखा हो कि 20% वियोजन हो रहा है, 50% वियोजन हो रहा है, 70% हो रहा है, तो अल्फा इज 70% 0.7, 60% हो रहा है अल्फा इज 0.6, है ना। तो अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आई का मतलब अमाउंट ऑफ फैक्टर, यहां से अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आई, ऐसे ही होता है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर में रिलेशन, वो भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, उसका फॉर्मूला मैं आपको सीधे बता रहा हूं, तो आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि फॉर्मूले पर ही सीधा सवाल आएगा। एक और रिलेशन होता है और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि एक्स कह देता हूं मैं इसको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई में और डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी अब संयोजन नहीं हो रहा है, अब वियोजन नहीं हो रहा है संयोजन, तो संयोजन की मात्रा एक्स में और वॉन्ट ऑफ फैक्टर में क्या रिलेशन है, तो आपको याद रखना है कि दिस एक्स इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन वन माइनस एन इंटू एन। ये एक रिलेशन होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वॉन्ट ऑफ फैक्टर में, आपको सीधे डायरेक्टली याद रखना है, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, x बराबर आई माइनस वन अपॉन वन माइनस एन, या उल्टा हो गया देखो इंटू एन, वहां पे क्या था अल्फा बराबर आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, यह है अल्फा बराबर की जगह x बराबर आई माइनस वन अपॉन वन माइनस एन इंटू एन। क्लियर, तो दो फॉर्मूले बताए मैंने आपको, दो बातें बताई, अगर कोई 100% आयोनाइज हो रहा है तो आई इक्वल टू एन, जितने एन होंगे उतना उसका आई होगा, लेकिन अगर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, 40% 20% ही हो रहा है, तब उस केस में अपन फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई में रिलेशन, और ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन और आई में रिलेशन। क्लियर, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से देखना। जैसे इस पॉइंट को लेते हुए अपन कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल बना के दे दिया मैंने, सपोज जेड आपको दे दिया कि एक कंपाउंड है K4FeCN6, ये इसी टाइप से सवाल फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा था पिछली बार। K4FeCN6 अगर 50% क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, इफ द K4FeCN6 इज आयोनाइज ओनली 50%, देन व्हाट इज द वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, कैलकुलेट इट्स वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, 50% डिसोशिएट हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, तो अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। नाउ वैल्यूज पुट करो, अल्फा इज 50%, 50% मीन्स 0.5, 50% का मतलब क्या हुआ, 0.5 इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आई माइनस वन, आई आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन एन माइनस वन, ये कितने एन कण कितने बनाएगा, ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले, चार पोटेशियम और एक पूरा आयन, मतलब कुल कण कितने बने इसके, पांच ही बनेंगे, 5 माइनस 1। वैल्यूज रखो और सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 0.5 एंड दिस इज 4 इंटू 0.5 विच इज 2, तो 2 बराबर आई माइनस वन, है ना, ये 4 आएगा, 4 इंटू 0.5 इज 2, तो 2 इक्वल टू आई माइनस वन, सो द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई का मान, सो द वैल्यू ऑफ आई इज 1 इधर आएगा, तो ये हो गया 3 आई बराबर 3। बात समझ में आई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, और इसी तरह का सवाल आपको ACF लेवल में भी पूछ सकते हैं। क्लियर, तो किसी के लिए भी आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा होगा, बस आपको उसकी वैल्यूज को पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने एक सवाल बना के दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको कि कैल्शियम फॉस्फेट 30% आयोनाइज होता है, 30% आयोनाइज होता है, देन फाइंड इट्स वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, इफ द कैल्शियम फॉस्फेट इज 30% आयोनाइज। ठीक है,
केवल 30% ही आयनित हो रहा है, तो इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे, एल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, एल्फा कितना है 0.3, 30% यानी 0.3 और आई माइनस वन अपॉन एन। अब कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, सी ए थ्री पी ओ फोर होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट सी ए थ्री पी ओ फोर होल ट्वाइस। टोटल कण कितने बने, 5 कण हो गए, 3 कैल्शियम और 2 फॉस्फेट, टोटल 5 कण बनेंगे। तो 5 माइनस 1 इट इज 4 इंटू 0.3 विच इज 1.2, 4 आएगा, 4 इंटू 3 1.2 आई माइनस 1, सो आई इज इक्वल टू 2.2, आई की वैल्यू आएगी आपके लिए 2.2। बात समझ में आई, तो ये था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज क्या है। ठीक है, वॉन्ट ऑफ गुणांक का यूज क्या है। मैं एक लास्ट बात आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल भी बना हुआ है, ध्यान से सुनना उसको और ध्यान से देखना उसको, फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया था आई बराबर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरिटिकल। ये सेकेंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान से देखना, इसको फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ सकते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म प्रेक्षित बटा सिद्धांतिक, और अपन ये भी जानते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म जितने भी हैं, आप देखो उसमें विलय का अणुभार अपॉन में आ रहा है, वन अपॉन में आ रहा है, जैसे पाई बराबर सीआरटी या पाई बराबर एन अपॉन एमडब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एमडब्ल्यू, अपॉन एमडब्ल्यू नीचे आ रहा है, मतलब कोई भी अनुसंख्यक गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं अगर आई का एक और फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि आई बराबर एमडब्ल्यू थ्योरिटिकल अपॉन एमडब्ल्यू ऑब्जर्व, है ना। आई बराबर अपन ये भी लिख सकते हैं एमडब्ल्यू थ्योरिटिकल अपॉन ऑब्जर्व, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट रॉन्ग करके आते हैं, ध्यान रखना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो ऑब्जर्व अपॉन थ्योरिटिकल, और अणुभार में अगर देखें, अणुभार में तो थ्योरिटिकल अपॉन ऑब्जर्व, मतलब सिद्धांतिक बटा प्रेक्षित, या अपन कहते हैं सामान्य बटा असामान्य, सामान्य बटा असामान्य या थ्योरिटिकल अपॉन ऑब्जर्व के बराबर होता है आई। इज दैट क्लियर। तो आज अपन ने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।